नमस्ते, मैं हूँ श्वेता जुमानी और न्यू ईयर तो आ ही रहा है लेकिन इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो आप लोग सब बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए क्या होने वाला है 2024। अगर आपका बर्थडे 1, 10, 19 या 28 है किसी भी महीने का, तो आपको नंबर वन कहा जाता है। नंबर वन सन से रूल्ड होता है, आपका प्लैनेट सन है। सन इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट और सबसे पहला नंबर है, सो लीडर्स होते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी का बर्थडे 1 था, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सब लोग 1 नंबर के हैं, लीडर्स इन देयर ओन वे। लता मंगेशकर जी ऑल्सो इज अ नंबर वन। सो नंबर वन के जो लोग हैं, दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अगर आप रिलेटेड टू द क्रिएटिव फील्ड हैं, जैसे डांसर्स, पेंटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, अगेन आई रिपीट, जो भी लोग डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, टीचर्स हैं और अकल्ट साइंसेज में हैं, आप लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा है। 3 नंबर के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, दे रियली वर्क वेरी हार्ड और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मोस्टली नंबर 3 के लोग एकदम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं और जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। वॉरेन बुफे एक ऐसे हैं जो पेपर बांटते थे लोगों के घरों में, एंड ही इज ऑलवेज इन द टॉप 3 or 4 richest man इन द वर्ल्ड। रजनीकांत जी हैं जो कारपेंटर, पेंटर, ये सब हो चुके हैं। गोविंदा जी हैं, देर इज रानी मुखर्जी, देर इज करीना कपूर। 3 नंबर से जुड़े हुए लोग हार्ड वर्क करके बहुत आगे जाते हैं, फाइनेंसेस में अच्छे रहते हैं। ये साल आपके लिए बुरा नहीं होगा क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, सुबह से रात तक मेहनत करते हो, पैसों में आप हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उन लोगों से जो आपका नाजायज फायदा उठाते हैं। वैसे आप हो स्मार्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए इट इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर, सिर्फ अगर आप रिलैक्स करना सीखोगे, अपने फैमिली को भी खुश करोगे, बिकॉज हार्ड वर्क इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपको थोड़ी अपनी फैमिली की तरफ इस साल ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज यू डू नॉट पे अटेंशन टू योर वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द होड ऑफ मेकिंग मनी। वो भी जरूरी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रन करने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है, बट हैविंग अ गुड लाइफ एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 4, 13, 22 या 31 अगर आपका बर्थडे है, सो यू आर अ नंबर 4 नंबर के जो लोग होते हैं, दे आर रूल्ड बाय यूरेनस। ये साल आपके लिए रोमांस दिख रहा है, हो सकता है आपकी शादी हो अगर अभी तक नहीं हुई हो तो, और रोमांस के चांसेस भी बहुत ब्राइट है। शादीशुदा हो तो ये 2 चीजों से जरा दूर रहिएगा। 5, 14 या 23 अगर आपका बर्थडे है, सो यू आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट जो आपको बहुत बुद्धि देता है। मैंने सुना है कि गणेश जी भी कन्या राशि के थे जिसका स्वामी मर्क्यूरी यानी बुध होता है। बुद्धिमान तो हो ही आप, बातों में भी बहुत एक्सपर्ट होते हो। नंबर 5 पीपल कैन रियली टॉक देयर वे आउट, जो आपको चाहिए हर चीज आप हासिल कर सकते हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या कहीं पर छोले भटूरे बेच रहे हैं, बट यू विल बी एन एक्सपर्ट इन दैट। ये साल अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द डाइजेशन, क्योंकि 7 नंबर इज रिलेटेड टू योर डाइजेशन सिस्टम ऑल्सो। बहुत जल्दी आपका इस साल पेट खराब होने के चांसेस हैं, तो बाहर ज़्यादा इधर उधर खाना मत खाइए, बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर ईटिंग, बाकी आपका साल काफ़ी अच्छा जाएगा। पंद्रह या 24 अगर आपका बर्थडे है, तो आपको रूल करता है नंबर 6 यानी शुक्र। जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि 6 नंबर को हम ज्यादा महत्व देते हैं। 6 इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर। तो आप लोग सबको, जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, आप सबको एक 24 नंबर या ऐसे लिखना चाहिए ऑन दिस पार्ट ऑफ योर हैंड एवरी डे इन ब्लू कलर। प्लस आपके घर के साउथ वॉल पे, जो भी रूम आप यूज करते हैं उसके साउथ वॉल पे एक 24 नंबर आप पेन से लिख के दीवार पे चिपका सकते हो। दिस विल रियली हेल्प यू। ये साल हर साल के जैसे आपके लिए अच्छा ही है। आप लोग कुछ लकी लोग होते हैं क्योंकि आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलता है। पैसे में लकी रहते हैं, लुक्स में लकी रहते हो और बहुत ही टैलेंटेड रहते हो।
माधुरी दीक्षित जी हैं जिनका बर्थडे 6 आता है, आधे से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री 6 से भरी हुई है। शाहरुख खान जी का नाम 6 पे जुड़ के आता है, अमिताभ बच्चन जी लिब्रा है इसलिए 6 पे वो भी 6 उनको रूट करता है। इमरान हाशमी है, सेलिना जेटली है, मलिका शेरावत है। द फिल्म इंडस्ट्री इज एक्चुअली फिल्ड विद लॉट ऑफ नंबर 6 पीपल। तो आप लोग अगर 6 बर्थडे के हो एंड अगर आप फिल्म या उससे रिलेटेड चीज़ों में हो, होटल इंडस्ट्री भी ये साल काफ़ी अच्छा करने वाली है। एप्पल, सैमसंग एंड सोनी, ये 3 कंपनीज हाईलाइट होने वाली है इस साल, बहुत पैसे कमाएंगी, अभी भी कमा रही हैं। एकता कपूर, कतरीना कैफ, इरफान खान, करण जौहर इज कमिंग अप एज अ विलेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यू नेवर नो, नेक्स्ट रंजीत वो बन जाए या नेक्स्ट गब्बर सिंह वो बन जाए अमजद खान की जगह लेने, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर नंबर 7, क्योंकि उनका बर्थडे भी 7 है। सो जिनका नाम 7 पे जुड़ के आता है या जो 7 पे पैदा हुए हैं, थोड़ा सा स्पेशल ईयर रहेगा, और अगर नहीं है इसको स्पेशल बनाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके लाइट कलर के कपड़े पहनिए। नंबर 7 लोगों को या तो रेड एंड मरून पसंद आता है या तो एकदम ऑपोजिट वाइट पसंद आता है, सो दे हैव नो बैलेंस, एक्सट्रीम होते हैं, तो इस साल अपने लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। आठ, 17 या 26, अगर इसमें से कोई आपका एक बर्थडे है तो आपको सैटर्न यानी शनि रूल करता है। शनि जो प्लैनेट है ये तकलीफ देता है ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 साल तक। 35 या 40 साल तक ये लोग थोड़ा दूसरों से ज्यादा सफर करते हैं। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। वैसे हम सबको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, लेकिन खास करके जो लोग 8, 17 और 26 को पैदा हुए हैं, बिल्कुल ब्लैक मत पहनिए। डार्क ग्रेस भी आपके लिए अच्छे नहीं है और आप लोगों को वो कलर बहुत बेहद पसंद आता है, मगर आपको अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों के लिए ये साल निराशा नहीं रहेगी उतनी, मगर नथिंग ग्रेट ऑल्सो आई एक्सपेक्ट। अपने पैरों का ध्यान दीजिए, फाइनेंसेस में आप अच्छे रहेंगे, प्रॉपर्टी आपकी जल्दी बन जाती है। प्रॉपर्टी में नंबर 8 बहुत लकी रहते हैं, तो या तो प्रॉपर्टी का बिजनेस कीजिए या अपने नाम पे भी खरीदो, तो आपके प्रॉपर्टीज यंग एज में जल्दी बन जाती है। अगर आपका बर्थडे 9, 18 या 27 है तो आपको नंबर 9 रूल करता है। 9 नंबर मंगल ग्रह कहलाता है। मंगल, अगर आप देखोगे, इट इज रेड एंड फायरी प्लैनेट, तो आप लोगों के अंदर गुस्सा तो आपके नाक पे होता है। सो एक सेकंड में किसी को मार सकते हो, पीट सकते हो, मारामारी में एक्सपर्ट होते हो। ये सब आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि गॉड ने आपको बनाया है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस फोर्स या स्पोर्ट्स के लिए। तो पुलिस और आर्मी के अंदर प्यार मोहब्बत करने वाले लोग तो नहीं चलेंगे, इसीलिए आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। आपने नोटिस किया होगा कि सलमान खान जो 27 दिसंबर को पैदा हुए हैं, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, लेकिन सडनली जोश आ गया उनको दबंग के बाद। दबंग में डबल जी डाला, न्यूमरोलॉजी यूज़ की और यूनिफॉर्म पहन लिया पुलिस वाले का, डिशुम डिशुम करना शुरू किया। रोमांस करते थे जब तक शाहरुख खान जैसे, तो इतना कुछ उनका हाईफाई नहीं था, लेकिन एज सून एज ही वो द यूनिफॉर्म, ऑल ऑफ अ सडन चारों तरफ छा गए। सो नंबर 9 इज मेन फॉर डिशुम डिशुम एंड नंबर 2 लाइक शाहरुख खान इज मेड फॉर रोमांस। तो जब शाहरुख खान ने रावण बनने की कोशिश की, जीवन बनने की कोशिश की, लोगों को इतने पसंद नहीं आए, क्योंकि सब उनको रोमांस में देखना चाहते हैं। तो यही नंबर्स होते हैं, सिंपल होते हैं, अगर आप उसको समझना चाहो तो वेरी इजी। सो नंबर 9 के लिए ये साल भी एवरेज रहने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बैड ईयर, बट नथिंग ग्रेट इज एक्सपेक्टेड। और हमेशा एक ही एडवाइस रहती है मेरी नंबर 9 के लोगों के लिए, अपना टेम्पर जरा कंट्रोल में कीजिए।